कहते हैं जी मेरी बीवी मेरी इजाजत बगैर घर से निकलती है, कहीं जनाजे में कहीं बार गुनाह है, उसको खामन की इजाजत के बगैर घर से निकलना मना है, हराम है, तौबा करें और आइंदा के लिए अपने अमल को बदले। बाकी तुम्हारा कहना नहीं मानती तो मौलवी मक्की का मान लगी हो, क्या ख्याल है आप? शौहर का मानती नहीं, मुझे शिकायत करना है। ऐसे ढीले ढाले शौहर का कोई फायदा नहीं। कोई आदमी औरत के माहवारी के अयाम में हम बिस्तरी करें वो गुनाहगार है, तौबा भी करे, सदका और खैरात भी करे, कुरान के खिलाफ है कि यस अलून कानिल महीद कुल हो अजल। हैज की हालत में औरत से मिलना फरमाए अल्लाह ने, पलीदी है, तकलीफ है, फादिल निशा अफिल महीद, बिल्कुल दूर हो जाओ हैज की हालत में, उनके करीब ना आओ। अच्छा यहूदी तो ये करते थे कि अगर औरत हैज में हो उनके घर भी नहीं आ सकती थी, दूसरे कमरे में रहती थी, बर्तन भी दूसरे, कपड़े भी दूसरे, खाना भी अलग, हर चीज अलग। लेकिन इस्लाम ने कहा कि नहीं, ये सजा तो नहीं, इकट्ठे रह सकते हो, बीवी खाना भी पका सकती है, मियां बीवी खाना इकट्ठे खा सकते हैं, बल्कि एक बिस्तर पे लेट भी सकते हैं, लेकिन जिमा करना जो है वो हराम है। और याद रखें कि हैज की हालत में जिमा करने से दोनों को ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं पर जिनका दुनिया में इलाज ही नहीं। ये एड्स कहां से आया है? इसी से तो आया है, क्यों गर्म के नजदीक है शायद कुछ है, कंडम चढ़ा लिया और वह ठीक है, काम कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नतीजा ये निकला है कि आज कुत्ते की मौत मर रहे हैं, दवाई कोई नहीं दुनिया में। कुरान की मुखालफत करोगे तो मर जाओ, अगर गलती हो गई तो तौबा करो, और बल्कि एक दीनार के करीब सदका भी करो।